अस्सलामु अलैकुम। खैरपुर शहर के लुकमान के इलाके में बारिश की तबाहकारियों के बाद सैकड़ों लोग मुतासर हुए और बड़ी तादाद में लोगों के घर गिर गए हैं। लुकमान के इलाके में अक्सर लोगों को सरकारी इमदाद नहीं मिली और ताहाल मुतद घरों से बरसात का पानी भी नहीं निकल सका। बरसात मुतासर बेयारो मददगार बनकर सरकारी इमदाद के मुंतजर हैं, जबकि मरकजी तंजीम आराया पाकिस्तान के सरपरस्ते आला सीनियर समाजी रहनमा सियासतदान अब्दुल मजीद आराई की खास हिदायत पर गुज़श्ता एक महीने से लुकमान के मुख्तलिफ मुतासर इलाकों के अफराद को इमदाद देने का सिलसिला जारी है। मरकजी तंजीम आराया पाकिस्तान की टीम ने लुकमान के इलाके का सर्वे करके लुकमान सुमरा मोहला मेमून मोहला लशहरी मोहला जावरी गोठ सरकी मोड़ जावरी मोहला सिंधी स्कूल मोहला शीशम कॉलोनी काजी मोहला सेंथरीज हाई स्कूल और सड़कों और रोडों पर बैठे हुए बरसात मुतासर खानदानों को टेंट राशन कपड़े पका पकाया खाना तरपाल मच्छरदानियाँ और नकद रकम तकसीम करने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुतासर लोगों ने सहाफियों से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हमारी सरकारी तौर पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं, गिरे हुए घरों का सर्वे भी नहीं किया गया जिसकी बायस हम बेयारो मददगार बन गए हैं। उन्होंने मरकजी तंजीम आराया पाकिस्तान के सरपरस्ते आला अब्दुल मजीद आराई का इमदाद करने पर शुक्रिया अदा किया और उनकी उम्र दराजी के लिए दुआ भी की। मरकजी तंजीम आराया की जानिब से तश्कील दी गई इमदादी टीम में परवेज अमन सोलंगी जफर अली आराई सदाम मीरानी और दीगर शामिल थे। उनके वामे जी साहब जो घर में किरी पो उन्हें ये घर मोकिलो तो बाबा जमें छपर गया व्यार बच्चा बना बाबा ने मेहरबानी किया आज मुनीरान आज मई साहब। अच्छा ताके गवर्नमेंट जा मानू आया अनके ता मतलब कोई भी जाहिर न थवा कोई भी ना आवा ने मैंने आया कोई काउंसलर आवे जो इते आए कोई भी कोई बडो के आसा ने पानी में तो पानी कढ़ने जो तरी कोई ना है कुछ एक बने कोई ना है दे ता शिकायत के डीसी के आरटीओ मोगे ना ना इते जी के एक बहन जी आ रहा के चे से के ना छो कोई ना तो बुदी ना गवर्नमेंट जो बाणो एरिया हुआ बोलो रास्ता पर पानी हेरे हेरे बिठो को दगे आ चली नहीं भाव मजीद आ रही 5000 देना है जी मुझे मां के कुराड़ी के ए जाय जगह उने जी किरी पया जडी लगी पया भले ता अंदरा फोटो कडियो से पान कोराड़ी चाक ना है दवा जे ले भैया भले ता अंदरा भी जाय दिसो बाहरा भी दिसो मा उने जी दिया भले ता के काम पूछा करे था सको ए रनजाला अच्छा तो साने कोई भी ना आयवा ता खा अलावा कोई भी ना आयवा बस जको थेन त गरीबन जो हक कन ना दिसो जाय घर सजे धर्म भरम थिया कल भी मजी साहब वाला मानु आया सी आना सा यो हालत हाने फिर से गवर्नमेंट को कोई कोन आयो जो का मेहरबानी से मदद करो हर भी हालात के सदा का पानी के आ जान सदा और गवर्नमेंट सा गवर्नमेंट से सदा कोई ले थी गवर्नमेंट कुछ ही को दे मैं अच्छे से को ना पूछे तो मां है तो नहीं वाला को आया है बैठे ना है खुदा के बेहतर ये दिसी दा बस ये आया दरवाजे को लियो पहले से मुटी दरवाजे असें गवर्नमेंट वाला ना आया है मजीदार साहब से मेहरबानी आज असें के टेंट कुछ मदद कई थी कुछ कपड़ा दिना टैंक दिना ये देखो अंदर उन बरसात जगह कमरा किरी पई कुछ सामान मिलने में हो वो भी किरी पई असन नडड़े जे मथो भी किरी पई अल्लाह खैर करो इस तरह जो खैर बचा थी हो बाकी नुकसान लाई सामान भजी पियो आज जो हुआ बाहर है कुछ कुंडे कुंडे कुछ जाया थी हो तोरा ना आया है बसान का जका मदद थी सकी है तो सा जी करना सा घर घाट वाला थी नडड़ा बच्चा है मजदूर मानू आया असा सा मजीद साहब भलाई कई या गवर्नमेंट असा के का शेब न दिनो तो 5000 न जो को 5000 न असा सा मान कानपुर खाया आयो असा मुल्क बडी पानी घणो आयो का शे न गढे सके आयो। अच्छा के का शे बिना है असा सा गवर्नमेंट का भी भलाई न कईया का अजी दिन असा ने नुकसान ले जो सरदार मरी गया और नंगरो छोकरो मरी विवा का शे बिन बचो असा के ले कुवाड़ी मुझे निनान मरी गई अब्दुल मजीद वो असा सा भलाई कईया हाय
असा के ना 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 सा के आटो ना सा का छे बस जो निलफेड़ा बच्चा है दुख ते बैठा है ता भलाई पे का प्रखायम बा गरीब मिस्किन मानू यतीम आया मुझे न पी आ माँ मुझे घर यतीम आ पीस न माँ सजो घर तबाह थी साई मजीद साहब वारा लख शाबस जिन अस याद किया वक्त में न तो कोई भी अस गवर्नमेंट मानू लड़ी ना आयो असाई विच पदर से वेठा हूँ था न खाने न पीने लख शाबस हुई साई मजीद साहब के जिन अस राशन पुजाया टेंट पुजाया ये अस वेह जड़ा थे न तो ऐसो था गरीब मानू सफा तबाह थी वह का शै न बची आ कैमरामैन हसन रजा के साथ सलीम रजा शेख उर्दू सिंधी टीवी खैरपुर। For more videos, audios and print material, visit our YouTube channel and click the bell icon. You can also visit our Facebook account from your own personal Facebook account. So visit now our channel Urdu Sindhi Network.